सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम ये लेटेस्ट डिजाइनर साइड डोरी कुर्ती बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर सीक्वेंस फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर सेम इसी कलर का प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और ये 2 फोल्ड मैंने 11.5 इंच तक किया है। जितना भी हमारा हिप साइज हो उसका छोटा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह प्लेन फैब्रिक और सीक्वेंस फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। बैक पार्ट हमारा प्लेन रहेगा और फ्रंट पार्ट हमारा सीक्वेंस फैब्रिक का रहेगा। और अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लेंथ लेंगे, तो कुर्ती की रेडी लेंथ 42 इंच है प्लस 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखा है, तो टोटल 44 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है। यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर लूंगी मैं 7.5 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहां से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहां पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो यहां पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट इसकी है 36, तो 36 का चौथा भाग लूंगी मैं 9 इंच और ऊपर से कमर की लेंथ लेंगे 14.5 इंच, तो 14.5 इंच निशान लगाया और हिप लेंथ लूंगी मैं 17 इंच। की लॉन्ग स्लिट कुर्ती बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने हिप की लंबाई 17 इंच रखी है। नॉर्मली जितनी भी हमारी हिप की लेंथ होती है उससे 4 इंच मैंने कम लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हिप की लंबाई रख सकते हैं। अब इन सभी निशानों को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग लेना है। कमर इसकी 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। यहाँ पर हिप का चौथा भाग लेना है, तो हिप है इसकी 36, तो 36 का चौथा भाग लूंगी मैं 9 इंच और यहाँ बॉटम भी रखूंगी मैं इसकी 9 इंच। और अब इन सभी निशान को इस तरह जॉइन करेंगे। साइड में 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। और अब इन सारे निशान को भी जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह देखिए गोलाई में शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो नेक विड्थ में लूंगी 4.5 इंच। अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरह नेक लाइन के पास मिला देंगे। और अब सेम इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने और अब यहाँ कमर और हिप के पास एक एक कट लगा लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक पे कटिंग हो गई है। अब हम इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो अस्तर के फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है और अस्तर की लंबाई रखी है 40 इंच, कुर्ती से 4 इंच कम। अब हम इसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को रखेंगे, कुर्ती को, और इसे अच्छे से सेट करके सेम इसी शेप में अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह, तो अस्तर भी हमारा कट हो गया है। और अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह पहले लाइनिंग को हम रखेंगे और नीचे बॉटम से इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे
और अब यहाँ शोल्डर और आर्म होल से और दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। और फ्रंट आर्म होल पे भी सेम इसी तरह हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग को मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए ये मैंने कैनवास पेपर लिया है, जिसे इस तरह मैंने फोल्ड किया है। नेक की विड्थ मैंने रखी है 4.5 इंच और नेक डीप रखा है मैंने 4 इंच। और अब हम यहाँ पर शेप देंगे बोट नेक का इस तरह। और अब हम इसी शेप में इस नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए नेक को कट कर लिया है मैंने। और अब इसे हम फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो इस नेक को इस तरह रखेंगे फैब्रिक पे और इसे प्रेस करके अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये देखिए नेक को मैंने अच्छे से चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे से कट करके इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब इस नेक को इस तरह कुर्ती के सेंटर में रखेंगे और एक सेंटर में एक पिन लगा देंगे। और अब इसी शेप में हम नेक को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह। और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और यहाँ नेक के पास पूरे राउंड में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और ये कट्स हमें सिलाई पे नहीं लगाना है, सिर्फ फैब्रिक पे ही लगाना है। और अब इस नेक को रॉन्ग साइड अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर एक टॉप स्टिच लगा ली है। और सेम इसी तरह मैंने बैक साइड भी बोट नेक बनाया है, देखिए। और अब हम इन दोनों पार्ट को मिला के शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर को अच्छे से मिला के शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर ज्वाइन कर ली है मैंने। और अब हम इसके आर्म होल बनाएंगे। ये मैंने स्लीवलेस कुर्ती बनाई है तो स्लीव्स की कटिंग नहीं की है मैंने इसमें। तो ये क्रॉस पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी पट्टी है ये। और इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ आर्म होल के पास रखकर सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों आर्म होल मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब हम इसकी दोनों साइड ज्वाइन करेंगे। तो देखिए दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है मैंने। और यहाँ देखिए हिप लेंथ तक ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दोनों साइड हम ज्वाइन करेंगे। और अब हम यहाँ इसके नीचे लूप अटैच करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट पट्टी को फोल्ड करके इस तरह दोरी बनाई है मैंने। अब हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे इस तरह, देखिए। और अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे चाक के पास। और अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, जहां तक हमारी हिप लेंथ है वहां पे एक निशान लगाएंगे। और साइड में 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए, तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। और अब यहाँ हिप लेंथ से नीचे तक 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इस तरह 1-1 इंच के गैप में हम यहाँ पर लूप लगाएंगे, तो 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब यहाँ पर हम लूप अटैच करेंगे। तो इस दोरी को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमें यहाँ पर लूप बनानी है। ये देखिए इस तरह हमने 4 लूप बनाई है।
और जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दूरी है इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने लूप लगा ली है। सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट में भी चार लूप लगानी है। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पे आठ लूप लगाई है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी आठ लूप लगानी है। हम इसके चाप बनाएंगे तो साइड से इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे चाक बने हैं और लूप भी परफेक्ट अटैच हुई है। अब हम इस लूप में डोरी डालेंगे। तो इस तरह देखिए फैब्रिक की पतली डोरी बनाई है मैंने और इस डोरी को अब हम इन लूप में इस तरह डालेंगे। तो इस तरह हमें एक लूप को छोड़ के दूसरी लूप में डोरी को डालते जाना है। देखिए इस तरह। और यहाँ नीचे डोरी के हम लटकन लगा लेंगे, कर लेंगे। तो बॉटम से इसे इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।